नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो मौसम बात करेंगे तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंडूर कारम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म गुंडूर कारम की, तो फिल्म गुंडूर कारम के आज सिनेमाघरों में 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, यानी फिल्म अपने एक मंथ को सिनेमाघरों में सक्सेसफुली कम्प्लीट कर चुकी है। बात करेंगे फिल्म गुंडूर कारम की, तो दोस्तों बता दूं कि फिल्म गुंडूर कारम को 12 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स से 95 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआत की, तो दोस्तों देखते देखते फिल्म के आज सिनेमाघरों में 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म गुंडूर कारम के फ्रॉम डे 30 तक टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की, तो फिल्म गुंडूर कारम का फ्रॉम डे 30 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 277.48 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 196.90 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म गुंडूर कारम फिलहाल अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को 9 फरवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा लैंग्वेज में स्ट्रीम किया जा चुका है। फिल्म गुंडूर कारम को दोस्तों अगर आपने बड़े पर्दे पर मिस किया तो इसे अब OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर के फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म कैप्टन मिलर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे न्यूज एंड कन्नड़ा फिल्मों के सुपरस्टार सिवा राजकुमार स्टार फिल्म कैप्टन मिलर के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म कैप्टन मिलर के 30 डेज कलेक्शन की, तो फिल्म कैप्टन मिलर ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 15 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म कैप्टन मिलर का फ्रॉम डे 30 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 132.30 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म कैप्टन मिलर के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों बता दूं कि फिल्म कैप्टन मिलर भी अब OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर स्ट्रीम हो चुकी है। फिल्म कैप्टन मिलर को अगर आपने बड़े पर्दे पर मिस किया तो इसे Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर के फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं साल 2024 की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म हनुमान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म हनुमान के कलेक्शन की, तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 30 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। फिल्म को जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिला है। फिल्म हनुमान की आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 की बात करें तो फिल्म हनुमान ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 1.75 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म हनुमान का फ्रॉम डे 30 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 307.60 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 192 करोड़ ग्रॉस, तो वहीं फिल्म का हिंदी वर्जन से 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। दोस्तों फिल्म हनुमान के बजट की बात कर ले तो फिल्म हनुमान को ओवरऑल 50 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म हनुमान अब OTT पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनका OTT डेट कंफर्म हो चुका है। फिल्म को 2 मार्च 2024 को G5 पर स्ट्रीम किया जा रहा है। फिल्म हनुमान को अगर आपने बड़े पर्दे पर मिस किया तो फिल्म हनुमान को OTT पर देखना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म आहिलांग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 30 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे तमिल लैंग्वेज की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म आहिलांग के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म के आज सिनेमाघरों में 30 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म आहिलांग के कलेक्शंस की, तो फिल्म के फ्रॉम डे 30 तक टोटल वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 105.40 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई हो चुकी है। दोस्तों फिल्म आहिलांग के बजट की बात कर ले तो फिल्म आहिलांग को 80 करोड़ के बजट में तैयार किया गया था, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। दोस्तों फिल्म फिलहाल अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रेस्पॉन्स दिखाते हुए 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म में शिवा कार्तिकेयन एंड रघुवीर सिंह की जोड़ी नजर आ रही है। तो दोस्तों बता दूं कि फिल्म आहिलांग एक एलियन की कहानी है, शिवा कार्तिकेयन लीड रोल में नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म आहिलांग अब OTT पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेक्स्ट पर 16 फरवरी को रिलीज किया जा रहा है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो इसे अब OTT पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेखा जो कहा फिल्म के कलेक्शन का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए मेरे इस एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।